तो की हाल चाल दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीदरलैंड्स टीम के लिए एक लाइक जरूर करें। गाइस, आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का सेकंड मैच खेला जा चुका है, जहां पाकिस्तान का मुकाबला हुआ नीदरलैंड से, जहां बेस्ट एलीट की शानदार बॉलिंग देखने को मिली। इस मैच में नीदरलैंड्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने आए फकर जमान और इमामुल हक, जहां पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और फकर जमान सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। जब पाकिस्तान का स्कोर 34 रन था, तब पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम 5 रनों पर, वहीं जब पाकिस्तान का स्कोर 38 रन था, तब इमामुल हक 15 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर्स के बाद। इसके बाद पाकिस्तान की लड़खड़ाती इनिंग्स को रिजवान और शकील ने संभाला, जहां दोनों प्लेयर्स ने सबसे पहले पाकिस्तान के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। 12वें और 13वें ओवर में रिजवान और शकील ने 3 फोर लगाए, वहीं 16वें ओवर में शकील ने 2 फोर लगाए, जहां पहले 20 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर था 101 रन, जहां दोनों प्लेयर्स के बीच 50 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। 22वें ओवर में शकील ने 1 6 और 1 4 लगाया, वहीं 23वें ओवर में शकील ने 2 4 लगाए और अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली सिर्फ 32 गेंदों में। 25वें ओवर में दोनों प्लेयर्स के बीच 100 प्लस रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। 26वें ओवर में मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, पर 29वें ओवर में अच्छा खेल रहे शकील 68 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर 160 रन 4 विकेट के नुकसान पर 29 ओवर के बाद। 32वें ओवर में पाकिस्तान के 2 विकेट गिरे, जहां अच्छा खेल रहे रिजवान 68 रनों पर, वहीं क्रीज पर नवे आए इफ्तिकार अहमद 9 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर 188 रन 6 विकेट के नुकसान पर 32 ओवर्स के बाद। इसके बाद शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की, जहां दोनों प्लेयर्स के बीच 64 रनों की पार्टनरशिप हुई, जहां आउट होने से पहले शादाब खान ने बनाए 32 रन। पाकिस्तान का स्कोर 252 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद क्रीज पर नवे आए हसन अली पहली ही बॉल पर आउट हो गए, जहां पाकिस्तान का 8वां विकेट 252 रनों पर ही गिर गया। पाकिस्तान का 9वां विकेट 266 रनों पर गिरा, जहां नवाज 39 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी विकेट के लिए शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रौफ ने 19 रनों की पार्टनरशिप की, जहां पाकिस्तान की पूरी टीम 286 रनों पर ऑल आउट हो गई, वो भी 49 ओवर्स में। पाकिस्तान की ओर से फकर जमान ने बनाए 12 रन, इमामुल हक ने 15 रन, बाबर आजम ने 5 रन, मोहम्मद रिजवान ने 68 रन, शाउद शकील ने भी 68 रन, इफ्तिकार अहमद ने 9 रन, मोहम्मद नवाज ने 39 रन, शादाब खान ने 32 रन, हसन अली शून्य पर, शाहीन शाह अफरीदी ने 13 नाबाद, वहीं हारिस रौफ ने बनाए 16 रन। नीदरलैंड की ओर से बेस्ट डे लीड ने 4 विकेट, एकरमैन ने 2 विकेट, आर्यन दत्त ने 1 विकेट, वहीं बैन वीक ने भी 1 विकेट लिया। अब नीदरलैंड को इस मैच को जीतने के लिए 287 रनों की जरूरत थी। 287 रनों का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी रही, जहां मैक्स ओडो और विक्रम सिंह ने 28 रनों की पार्टनरशिप की, पर 6वें ओवर में हसन अली ने मैक्स ओडो को आउट कर दिया। इसके बाद विक्रम सिंह का साथ देने आए एकरमैन, जहां दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बैटिंग की, जहां पहले 10 ओवर तक नीदरलैंड का स्कोर था 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने नीदरलैंड के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया, जहां दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पर 12वें ओवर में इफ्तिकार अहमद ने एकरमैन को 17 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, जहां नीदरलैंड का स्कोर था 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर्स के बाद।